मैं आपको बता रहा था हिमालय पहाड़ों के बारे में, और फिर हमारे पाकिस्तान में जो है वो दो हिमालय, जिसे हिमालयन कहते हैं, ये पे माउंटेन रेंज, और उसके बाद कराकोरम भी है, हिंदू कुश भी है, कोई सुलेमान भी है, और जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कराकोरम जो है वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज, और वो आपको अगर आप ट्रैवल करें लाहौर से और फिर आप पहुंचेंगे रावलपिंडी या इस्लामाबाद, वहाँ से फिर आपको बल्कि जेलम के पास से आपको पोटोवार का इलाका शुरू हो जाता है, लाला मूसा के पास पोटोवार जो प्लेटो है, फिर आस्ते आस्ते ऊपर बरंदी की तरफ सफ़र करते हैं, तो जब आप इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो वो फिर वो सिलसिला जो आपको नज़र आता है वो हिमालय का है, से आप जाते हैं एबटाबाद, मरी के रास्ते भी जा सकते हैं जो बहुत सीनिक रास्ता है, जिसे मैंने आपको बताया इस्लामाबाद से आप मरी जाएं, अब तो मरी भी जाने के दो रास्ते हैं, एक एक्सप्रेसवे है जो नई बनी है जो वन वे ट्रैफिक है जिस पर, और दूसरी जो है वो पुराना रास्ता है, और मरी से फिर आप वाया नतीजा गली एबटाबाद जाएँ, एबटाबाद से आप फिर मानसेरा जाएँ, जब आप मानसेरा पहुँचेंगे तो वहाँ से फिर वो दो रास्ते हैं जो दो चॉइसेस हैं, जो शॉर्टकट है वो है वाया नारान कागान, कागान वैली, लेकिन उसमें ये है कि आप जाने से पहले एक चीज़ चेक कर लें कि नारान के बाद एक आपको एक टॉप माउंटेन टॉप क्रॉस करनी पड़ती जो कि 13,700 फुट के लगभग उसकी हाइट है, वो है बाबूसर टॉप, वो बाजूकात बर्फ की वजह से बंद होते हैं रास्ता, तो दूसरा रास्ता तो पुराना है जो कि KKH कराकोरम हाईवे जो ओरिजिनल तौर पे बना था, वहाँ पे आपको जब आप जा रहे होंगे कराकोरम हाईवे पे गिलगित से बल्कि आपको रास्ते में ही एक मुकाम ऐसा नज़र आता है उसमें कि वहाँ पे ये तीनों हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस दुनिया की जो है कराकोरम हिमालय और हिंदू कुश ये एक जगह पे आपको नज़र आएंगी, ये एक बहुत बड़ा अजूबा है जो यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, अक्सर लोगों को नहीं पता, जो हुए हैं उनको तो पता है, जो नहीं गए उनको नहीं पता, तो ये भी फ़र्क है यहाँ के पहाड़ों में और वहाँ के पहाड़ों में, सामने वैली आपको नजर आ रही है।